भर में लॉकडाउन के चलते नौकरी और व्यापार करने वाले लोग घरों पर ही हैं। ऐसे में किसान के घरों से जुड़े लोग खेती में अपना सहयोग दे रहे हैं। झुंझुनू में लोग खेतों में फसल कटाई के समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे हैं। आपको बता दें, नौकरी और व्यापारी लोग लॉकडाउन के चलते खेतों में कटाई कर रहे हैं ताकि उनका टाइम भी पास हो जाए और खेतों का काम भी हो जाए। मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अलग अलग पानी की बॉटल्स का उपयोग कर रहे हैं, साथ ही में सैनिटाइजर्स का भी लगातार इन लोगों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। फसलों की कटाई सर पे आ गई है, इसलिए जो सरकार ने गाइडलाइंस दी है कि उचित दूरी बनाए रखें, अपनी अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग बोतल पानी के लिए अलग रखें, मुंह ढक के रखें, सैनिटाइज करें छोड़ने के बाद में अपने को, तो सारी चीजें हम उसी हिसाब से कर रहे हैं। बोतलें अलग है पानी की, दो दो मीटर की दूरी बना के फसलों की कटाई करते हुए, और बाद में जब हम छोड़ते हैं तो काम एक दूसरे सैनिटाइजर ला के रखा तो सैनिटाइज करते हैं, और घर के बाहर ही कपड़ों को निकालते हैं और नहा के फिर घर के अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं। फसल आ गई है तो फसल की कटाई कर रहे हैं, दो दो मीटर का गैप बना रखा है और पानी की बोतल अलग अलग रख रखी है सारी, और सैनिटाइजर ला के घर पर रख रखा है। सब काम करने के बाद में हाथ धो के और कपड़े बाहर ही निकाल देते हैं।